नमस्कार। अगाउना लेक्चर में आपणे पुरावस्तुकीय साधनोनी माहिती मां चार पॉइंट जोया। हवे पछीनो पॉइंट छे शिलालेखो। तो शिलालेख एटले शू? तो शिलालेख एटले के जेना उपर जे पत्थर उपर कोई कोतरणी करीने लेख लखवामां आवेलो होय। शिला एटले पत्थर ने लेख एटले लखाण। तो ए पत्थर उपर एवुं लखाण लखवामां आवेलुं होय तो तेने शिलालेख कहेवामां आवे छे। शिलालेखमां सम्राट अशोके शिलालेखनो जे पुरावो छे ए आपणने सौप्रथम जूनागढमांथी प्राप्त थाय छे। तो जूनागढनी अंदर गिरनार गिरिमथक जे छे गिरनारनी अंदर सम्राट अशोके मौर्ययुगना वंशना सम्राट अशोके आ शिलालेख कोतरावेलो छे। अने आ शिलालेखमां एने 14 जेटली राजाज्ञाओ कोतरावेली छे। आ लेख उपर एने शुं कर्युं छे? 14 जेटली राजाज्ञाओ कोतरावेली छे। राजाज्ञाओ एटले शुं? तो राजा तरफथी जे आज्ञाओ कोतरावेली होय तो तेने राजाज्ञाओ तरीके ओळखवामां आवे छे। सम्राट अशोक ए मौर्य वंशनो सौथी प्रतापी सम्राट हतो अने तेणे ज्यारे शिलालेख कोतराव्यो त्यारे आ शिलालेख उपर 14 राजाज्ञाओमां तेणे वडीलोने मान आपवुं, कोईनी हिंसा न करवी, चोरी न करवी, जूठू न बोलवू, दरेकनी सन्माननी नजरे जोवा, कोई पण प्राणी पशु के पक्षीनी हिंसा न करवी, कोई मनुष्यने दुःख न पहोंचाडवू, गरीबोनी सेवा करवी वगैरे जेवी एवी 14 राजाज्ञाओ कोतरावेली छे। सम्राट अशोकनो जे शिलालेख छे आ शिलालेखनी नीचे सम्राट अशोकनो शिलालेख छे ए सम्राट अशोकनो शिलालेख उपर छे अने सम्राट अशोकना शिलालेखनी नीचे एटले के अशोकना शिलालेखनी नीचे क्षत्रपकाळना जे राजा छे रुद्रदामन आ रुद्रदामने पण सम्राट अशोकना लेखनी नीचे एने पोतानो लेख कोतरावेलो छे। अने रुद्रदामनना लेखनी नीचे गुप्तवंशनी अंदर जे स्कंदगुप्त थई गया गुप्तवंशना राजा छे स्कंदगुप्त ए स्कंदगुप्ते पण पोतानो एक अलग शिलालेख कोतरावेलो छे। एटले के आ रीते गिरनार शिलालेख एटले के जूनागढ गिरिनगरनी अंदर सम्राट अशोकनो शिलालेख, रुद्रदामनो शिलालेख अने स्कंदगुप्त गुप्तवंशना जे राजा छे स्कंदगुप्त गुप्तवंशनो शिलालेख आम त्रणे राजाओना शिलालेख ए समये त्यां कोतरावेला छे। शिलालेख पछी आपणे पॉइंट जोईशुं स्तंभलेखो। तो स्तंभलेख एटले के स्तंभ एटले एक आपणे थांभलो कही शकाय एने आपणे स्तंभलेख तरीके ओळखीए छीए। तो सम्राट अशोके सारनाथनी अंदर स्तंभलेखो कोतरावेला छे अने तेना विशेनी माहिती आपणने त्यांथी प्राप्त थाय छे। स्तंभलेखो पछी बीजो पुरावो छे कि सिंधुखीण संस्कृतिना अवशेषो। तो आवा बधा जे अवशेषो छे ए आपणने क्यांथी प्राप्त थया छे? तो सिंधुखीण संस्कृतिना अवशेषो जे छे ए जे पुरातन प्राचीन काळमां जे पंजाब शहर छे ए पंजाब शहरमांथी आपणने सिंधुखीण संस्कृति अने तेना अवशेषो आपणने मळी आव्या छे। अने आ अवशेषोनुं ज्यारे जयरे स्थळनुं खोदकाम करवामां आव्युं त्यारे आ सिंधुखीण संस्कृतिमांथी आपणने मोहेंजो दड़ो अने हड़प्पा नगर आवा बे उत्तखन दरमियान आ बे आपणने ए समय नगरो मळी आव्या हता। अने आ नगरोनुं जे खोदकाम छे ए ईस्वीसन 1922 सर जॉन मार्शल, रखालदास बेनर्जी अने दयाराम साहनीए तेना आ नगरना खोदकाम करीने उत्तखन करवामां आव्युं अने उत्तखन द्वारा आ बे नगरो मळ्या हता। आ उपरांत सिंधुखीण संस्कृतिना जे अवशेषो मळ्या तो आ नगरोमांथी आपणने मकानो, विशाळ स्नानगृहो, कोठारो, सार्वजनिक भवनो, गटर व्यवस्था,
वगैरे जेवा अवशेषो ए समय आ नगरों माथी मळी आव्या हता। बीजो पॉइंट छे शिलालेखो सिंधुकीण संस्कृतिना अवशेषो अने त्यारबाद बीजो पॉइंट छे मंदिरो। तो पुरावस्तुकीय साधनोनी अंदर आपणे मंदिरोनो पण समावेश थाय छे के प्राचीन समयनी अंदर ए समये कया कया मंदिरो भाग भजव्यो हतो एटले कया कया मंदिरो पण मळी आव्या हता। तो प्राचीन भारतना इतिहास जाणवा माटे मंदिरो ए पण पुरावस्तुकीय साधनोमां मंदिरो पण खूब ज महत्वनुं स्थान धरावे छे। तो मंदिरोनी अंदर गर्भगृह, मंदिरोनुं बांधकाम, मंदिरो क्यारे बंधाया तेना विशेनी आपणने माहिती प्राप्त थाय छे। तो आजे आपणे पुरावस्तुकीय साधनोनी अंदर प्राचीन भारतनो इतिहास जाणवाना पुरावस्तुकीय स्त्रोतोनी अंदर आटला पॉइंट जोया। एनी अंदर शिलालेखो, स्तंभलेखो, सिंधुकीण संस्कृतिना अवशेषो, मंदिरो, सिक्काओ, ताम्रपत्रो एटले ताम्रपत्रो एटले तांबाना पत्रा पर लखायेला लखाणो, त्यारबाद गर्भ अवशेषो, त्यार पछी स्मारको वगैरे विषेनी आपणे माहिती मेळवी। हवे पछी पुरावस्तुकीय साधनोनी अंदर जे साधनो बाकी छे के हवे पछीना कया साधनोनो उपयोग पुरावस्तुकीय साधनो जाणवा माटे थाय छे तेनी चर्चा आपणे आवता पछी एटले के आना पछीना नेक्स्ट लेक्चरमां करीशुं। मूर्तिओ, पीठिका वगैरह।